सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैयद व्लॉग्स। तो मम्मा किचन में जा चुके हैं पराठा इसे बनाने और मैं जा रहा हूँ दूध बनाने। बच रहे हैं 4:35। अब सुबह सुबह बन गई गैस, मम्मा कह रही सैरी नहीं खानी, इस चक्कर में मैं कर दे रहा हूँ काला नमक डाल के अरोड़ा लेमन। मम्मा तैयार रहो, जल्दी तैयार रहो मम्मा, जल्दी दूर 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 जल्दी जल्दी उठाओ 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 उठाओ, पियो पियो, ये भी डालो। मम्मा चाहे इनो पिए चाहे कुछ भी पिए, राशन मेरे लिए थोड़ा सा बचा के मुझे दे देती है। दूध भी बना दिया मैंने, तीनों का चाय भी बना दी मम्मा की, और मम्मा के पराठे भी बन गए। बस आज थोड़ा लेट हो गया, ये देखो 5:05, ये देखो सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास, जल्दी चलो। तो अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, पहले आराम से सारे अफतारी ओ सैरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, शाम के बज गए 5 और अभी तक व्लॉग नहीं बनाया मैंने, स्टार्ट ही नहीं करा। मतलब स्टार्ट तो सैरी के टाइम कर दिया था, वैसे मैंने नहीं बनाया आज पूरे दिन का, और आज सैरी के टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है मैंने बहुत कम व्लॉग बनाया था। तो बस अभी मैं जा रहा था किचन में इफ्तारी बनाने, तो मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट करूँ, तब याद आया मैंने आज तो व्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा। तो क्योंकि मैं 2:30 बजे सो के उठा, उसके बाद नहाना वगैरह ये वो इधर उधर करते करते व्लॉग नहीं बन पाया। तो मैं चलो किचन में दिखाता हूँ मैं आज क्या बनाने वाला हूँ। तो रोज़ की तरह आ गया हूँ मैं किचन में शाम के 5 बजे। तो अभी मैंने सोचा है आज की मैं बनाऊँ चिकन रशियन कटलेट। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, ये सेम रेसिपी मैंने 1 साल पहले रमज़ान के व्लॉग्स में ही दी थी, चिकन रशियन कटलेट की रेसिपी। तो मैं सोच रहा हूँ आज फिर से दे दूँ जो न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए। तो मैं लेकिन बहुत शॉर्ट में बताऊँगा मैं रेसिपी, बहुत शॉर्ट में, और बाकी वो रेसिपी आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स में भी मिल जाएगी। मैंने चिकन में पानी डाला, अभी सिर्फ अब इसमें 3 चीज़ डलेगी, नमक, और ये देखो ये डालूंगा पहले मैं ये नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा ही डालना है ज़्यादा नहीं डालना ये देखो। तो जब तक चिकन बॉईल हो रहा है जब तक मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक पेस्ट भी बनता है किस चीज़ का, बटर मैदे और दूध का। ये देखो ये 3 चीज़ ले लेंगे, दूध बटर और मैदा। तो अभी पहले इसमें डालते हैं बटर, डालेंगे इसमें थोड़ा ज़्यादा सा डालना, ये देखो बटर मेल्ट हो गया, अब इसमें डालेंगे मैदा। देखो मैदा ऐसा हो गया, इसमें थोड़ा बटर, अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के करना है नहीं तो लम्स एकदम हो जाएंगे। ये देखो आप लोग ऐसे स्मूथ सा, एकदम स्मूथ सा ऐसे ये पेस्ट बन जाएगा। तो ये पेस्ट भी बन गया हमारा, और ये इधर चिकन बॉईल हो रहा है, और आगे में फटाफट बताता हूँ कि इसके आगे क्या करना है। इसमें डालने के लिए हमें या तो अगर बड़े साइज का आलू है तो 1 बड़े साइज का आलू, अगर छोटे छोटे हैं तो 2। तो मैंने ये सब ले लिया है, वो जो आप लोगों को दिखाया मैंने पेस्ट, और ये रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। मसाले में इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डालनी है, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, और कोई ये वो मसाले नहीं डालने, सिर्फ सिंपल सा। और एक प्याज भी चाहिए जो मैं अभी बताना भूल गया था, वो प्याज कैसे कट करनी है वो मैं आप लोगों को आगे कट करने के बाद दिखाता हूँ। ये प्याज इसमें ऐसी ऐसी वाली प्याज काट ली मैंने, 1 बड़ी प्याज, और बाकी ये सब मैंने बता दी। और ये बॉयल चिकन एक बार फिर बता देता हूँ, ये नमक, लाल मिर्च और 2 छोटे छोटे आलू, 1 बड़ी प्याज, और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था मैदे का, दूध का और बटर का, और ये चिकन। अब मैं चिकन को अच्छे से हाथ से ही तोड़ना है, चिकन को छोटा छोटा एकदम, और मिक्सर में नहीं पीसना। ये अभी मैं कर रहा हूँ हरी मिर्चें फ्राई, मोटी वाली हरी मिर्चें, इसमें हमारे कुछ मसाले भरे थे। इधर ये मिर्ची के पकौड़े बन गए और आलू के पकौड़े बन रहे हैं, और मैं जब तक वो भी ठंडा हो गया, और जो मैंने ये चिकन रखा था ठंडा होने के लिए, मैं इसे छोटा छोटा तोड़ लेता हूँ। अभी सब बन चुका है, ये आलू के पकोड़े बन गए, फ्राइंग्स बन गए, प्याज के पकोड़े बन गए, मिर्ची बन गई, सब बन गया, बस लास्ट चक्कर डाला हुआ है प्याज के पकोड़े का। और अब मैं करूंगा इन सबको मिक्स, वो मैं दिखाता हूँ। और अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे फोन से मामा से बात कर रही हूँ। ये मैंने चिकन एकदम छोटा 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 स्लाइड कर लिया, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है मैं करता हूँ ये सबको मिक्स। और टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 6:20, मेरे पास है सिर्फ 15 मिनट। तो ये मैंने कर लिया है सब अच्छे से मिक्स, अब इसे
दे देंगे अच्छे से कटलेट जैसी शेप। A few moments later, ये बन गया चिकन रशियन कटलेट। मैंने बस वो शेप बनाई थी वो फटाफट फ्राई कर दिया था, बहुत लेट होता है इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और ये वाले तीन पीस थोड़े से जल गए, बस जल्दबाजी की वजह से। अब मैं सब कुछ लेके चलता हूँ बाहर, और भी लेके आए थे बाहर से मोमोज। ये लग गई सारी अफ्तारी, रखना ही भूल गए ये लो। मैं निकाल रही हूँ अफ्तारी, ये ऊपर जब तक मैं देखा रहा हूँ तब तक मैं निकालेंगी नीचे दादा की। आगे नीचे अफ्तारी देना और रोजा खुल चुका है। आगे मैं नीचे ऊपर सब जगह देखी और रोजा खुल गया। तो अभी मुझे याद है रोज़ा खोलने के बाद, तो मैंने इफ्तारी के बाद मतलब बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इफ्तारी के बाद मैं आ गया था ब्लॉग एडिट करने। तो मैंने एक डेढ़ घंटा ब्लॉग एडिट करा और ब्लॉग अपलोड भी कर दिया। तो वो एनिवर्सरी वाला जो मम्मा को गिफ्ट मिला है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा मम्मा को क्या गिफ्ट मिला है क्या नहीं, तो आप लोग इससे लास्ट ब्लॉग देख लेना। उसके बाद मैंने पढ़ी एक घंटा कुरान शरीफ, उसके बाद अब कुरान शरीफ भी पढ़ लिया। मैं फटाफट होता हूँ रेडी, क्योंकि अभी हम कहीं जा रहे हैं। ये देखो ये मम्मा ने पहन लिया। मम्मा पीछे तो हो, थोड़ा सा पीछे हो, ऐसे ही थोड़ा सा पीछे। ये देखो मम्मा का एनिवर्सरी का आउटफिट। ये देखो ये है मेरा आउटफिट आज का, ये पहना है मैंने सूट आज। और अब हम लोग जाने वाले हैं डिनर के लिए, कि जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया सेलिब्रेशन, इस बार हम मतलब केक कटिंग ये सब नहीं कर रहे, तो नॉर्मल डिनर के लिए जा रहे हैं। और डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने सोचा था नहीं बताऊंगा, वहीं जाके बताऊंगा, लेकिन फिर याद है अरे थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो जा रहे हैं हम लोग जामा मस्जिद, वो आप लोग आगे देखो व्लॉग में। ये रे पापा के आज के कपड़े, ये वो पहने पापा ने जो मम्मा ने दिए थे, तो दोनों ही कपड़े मैच कर रहे हैं। ये देखो देखो निकल गए हम लोग। सिर्फ टू व्हीलर की एंट्री, कार की एंट्री नहीं है, पैदल ही जाना पड़े। पार्किंग ढूंढनी है यहाँ कहीं, हमें यहाँ से पूरा वहाँ तक पैदल जाना, क्योंकि वहाँ बाहर ही बैरियर लगा दिया, वहाँ अंदर कार जाने ही नहीं दे रहे, तो अब यहाँ पार्किंग में लगाई है। हाँ बैरियर लगे हैं और यहाँ से अंदर नहीं जा रही कार। रोड पर हम लोग बहुत आगे गाड़ी लगा देते और वहीं से मार्केट शुरू हो जाती थी, अब पता नहीं वो जो लाइन दिख रही है वहाँ से शुरू हुआ है। जामा मस्जिद की डेकोरेशन, ये आगे चल रहे हैं मम्मा और बिग भी इधर। वही हम यहाँ अलीफ पे खाने, फोटो खींचे थे और फोटो में ध्यान दिया। ये देखो बिग्बी के बाल में आगे देखो दिल बना हुआ है, अपने आप बना हुआ है देखो। चल और अभी ऑर्डर दे दिया और अभी आने वाला है, उधर बैठे सब। हम लोग वहाँ वाले टेबल पर बैठे थे लेकिन कंफर्टेबल नहीं था, फिर यहाँ आ गए। यहाँ हम हमेशा बैठते हैं सारे ग्लास गए। और ये आ गया चिकन मलाई टिक्का और ये टिक्के। पप्पा बाहर गए हैं कुछ खाने को लेने और मम्मा यहाँ बाहर यहाँ बैठ के सिर्फ बाहर देख के खा नहीं रही, इंतजार कर रही हूँ पप्पा का, तो हम खाते हैं। ये फ्राई चिकन भी आ गया, अब इतना सारा आ गया। अब बिग भी कह रहे हैं आज रोटी मत खाओ, सिर्फ यही खाना है, मेरा वेट कहाँ जाएगा अगर मैंने यही सब खा लिया सिर्फ। बाहर ही नजर आ रहा मम्मा की, फोन कर लेना मम्मा।
पापा पापा आ गए, हम मम्मा खाएंगे आराम से तसल्ली से। जब से मम्मा बाहर, पापा जब से मम्मा आपका इंतजार कर रही थी, बैठ के बाहर देखे जा रही, तब खा लेते हैं। A few moments later, खा चुके अब हम लोग, बिल वगैरह दे रहे हैं। और अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बिल्कुल, कौन सा शरबत है वो? मोहब्बत है शरबत, मम्मा ने याद दिला दिया। अब जाएंगे वहाँ, बस भीड़ ना हो गई है। इधर रोड पे है उस पर तो बहुत भीड़ थी, लेकिन जो असली वाला है पीछे वाले रोड पे, वहाँ जाएंगे। ये सब चीज़ें हम नहीं खा, मैं नहीं खाता ये सब चीज़ें। ये उधर सोचा मोहम्मद जी, कहाँ रुक गए मम्मा और बिग बी फैमिली? तो देखो क्या है, छोटा सा घोड़ा, ओए छोटा सा घोड़ा। ये देखो बिग बी कह रहा है पाल लो, घर पे रख लो। और मैं सोच रहा हूँ मम्मा और बिग बी क्या देख, इतनी देर भटकाते भटकाते यहाँ लाए बोलो, करो सब्सक्राइब करो, हाथ लाइक करो, शेयर करो काला वाले सैयद नहीं बोलो। खाना वाले ले लो, शरबत मोहब्बत मोए मोए। बीच मार्केट में पूरा अंदर तक लेके आए इतनी देर से, और कितने सारे शरबत मोहब्बत पड़े बीच में, बिग बी ने किसी पे नहीं लाए, इसी पे ही लाए। और बिग बी आप हमेशा इसी पे याद हो ना, और बिग बी को पहचान गए, तो बिग बी के साथ मोए मोए कर रहे हैं। एक गिलास पूरा खत्म नहीं हो रहा, मजा आ गया, मजा आ गया। रमजान मुबारक। सारे हम लोग वापस घर, और यहाँ पे उस वाले रोड पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। यहाँ पे फिर भी नॉर्मल है, उस रोड पे तो बहुत भीड़ थी। ये है मीना बाजार, लेकिन हम यहाँ अंदर नहीं जाएंगे, है ना पापा? हाँ बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड होता है यहाँ पे। ये बड़े अच्छे अच्छे से बर्तन से हैं, और ये देखो इतनी अच्छी प्लेट, 100 की 3 दे रहे हैं। तो आप लोग भी अगर यो जाओ मस्जिद आओ तो देखो, ये कौन सा होटल है, अल गुलजार रेस्टोरेंट है, होटल पता नहीं, इसके बिल्कुल सामने बैठे हैं। ये देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ये ट्रे देखो, ये देखो ये इतने अच्छे अच्छे हैं, ये 100 के 4 मतलब 50 के 2। तो ये हमने कुछ कुछ ले लिया, और मैं घर आके दिखाता हूँ। वाला कटोरा कैसे है? जाते ये वाली दुकान देख ली थी, जाते हुए तो हम रुके नहीं, तो मैंने पहले बोल दिया था कि आते हुए जरूर यहाँ पे रुकेंगे, तो आते हम रुक गए, कुछ कुछ ले लिया। तो आप लोग देख लो बिल्कुल इसके सामने, अगर आप लोग आओ तो देख सकते हो, बहुत सस्ता है। हम अब जा रहे हैं इधर, आए हम इधर से थे, जाम इधर से रहे क्योंकि इधर ही वाले रोड पे हमारी कार खड़ी है। घूम लिए हम लोग जामा मस्जिद, और अब जा रहे हैं हम लोग वापस घर। और ये देखो यहाँ ये वाला रोड भी पूरा डेकोरेट हो गया हमारे साथ। इधर से बिग बी, बिग बी ये पता नहीं होता करते क्यों, पता नहीं था जब भी यहाँ से ले, और यहाँ से रास्ता नहीं है एंड तक आ गए, दोबारा घूम के जाना पूरा। फाइनली पहुंच गए पार्किंग में जहाँ कार खड़ी थी। ये देखो उस साइड चांदनी चौक है, मम्मा नीचे कर लो, इस साइड है चांदनी चौक। Thank you.
पहुंच गए हम लोग घर। ये सब क्या क्या लिया था वो सब मैं घर जाके दिखाऊंगा। और बन गई एनिवर्सरी। बिग बी ने साइडों के शीशे रेड ब्लैक करवाया था, फ्रंट भी करा लिया। डर नहीं लगता पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो? दोस्त है तो देखो, फ्रंट शीशा भी रेड ब्लैक और साइडों के तो है ही है वो तो। ये देखो, एक ये वाली ट्रे ली थी हमने, ये स्क्वायर शेप में, और दो ये और एक ये, और ये सब इतना सस्ता सस्ता मिला। ये 150 में मिला, ये 100 के तीन, ये तीनों 100 रुपए में दिए। देखो ये इतना अच्छा, ये इतना अच्छा, ये इतना अच्छा, 100 में तीनों, बहुत सस्ता है। और ये देखो, ये सिर्फ 25 रुपए की एक पड़ी, 50 की दो, ये देखो इतनी अच्छी। तो हम लोग घर आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं रात के 1:15, और हम घर आए थे 12:30 बजे, क्योंकि गए हम 10:30 बजे थे। तो घूम फिर के आज आ गए आप लोगों को। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा ज़्यादा व्लॉग बने। तो बस ये व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगा मैं सुबह सहरी के टाइम। तो बस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मिलते हैं एक्साइटिंग से व्लॉग के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।